हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 14 मई 2020 को क्या देखने को मिली थी। मतलब दोस्तों कल था 13 मई 2020 और कल शाम के जितने भी अपडेट आए हुए हैं मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सके। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि सोयाबीन में लगातार जो नरमी है, जो तेज़ी है, पूरी इस वीडियो में डेली अपडेट कराता रहता हूं। जिस दिन का अपडेट आता है मैं पूरा आप लोगों के पास अपडेट का बता देता हूं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी दोस्तों अगर अपडेट नहीं मिलता है तो हमारा वेबसाइट पर जाइए दोस्तों, बहुत से मंडियों के बहुत से जिन्सों के भाव मिल जाते हैं, तो विजिट एक बार जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, विजिट जरूर करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पहले जानते हैं कौन सी मंडी में क्या भाव रहे हैं सोयाबीन का। तो बात करेंगे दोस्तों रजौरा मंडी में, तो जो कि 3200 से लेकर दोस्तों 3570 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 117 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटोल मंडी में, जो कि 3431 रुपये से लेकर दोस्तों 3775 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 115 कुंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों, तुलजापुर मंडी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3750 रुपये से लेकर दोस्तों 3781 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 102 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों देवड़ी मंडी में, जो कि 3511 रुपये से लेकर दोस्तों 3708 रुपये देखने को रही है। आवक दोस्तों 52 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों रावरी बागोरी मंडी में, जो कि 3556 रुपये से लेकर दोस्तों 3556 रुपये का भाव था। और आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 8 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुलडाना मंडी में, जो कि 3000 से लेकर दोस्तों 3625 रुपये भाव देखने को रही है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 कुंटल देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंदूरा मंडी में, जो कि 2910 रुपये से लेकर दोस्तों 3620 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 105 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सेनगांव मंडी में, जो कि यहाँ पे 3600 से लेकर 3700 का भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। और आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 300 कुंटल देखने को रही है। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूले। लहसुनगांव निफाड़ मंडी की बात करें दोस्तों 3011 रुपये से लेकर दोस्तों 3766 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 129 कुंटल देखने को रही है। मोर्शी मंडी की बात करो तो 3500 से लेकर दोस्तों 3500 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 48 कुंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों, राता मंडी की बात करो तो 3250 रुपये से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 6 कुंटल देखने को रही है। उमरखंड मंडी की बात करो दोस्तों तो उमरखंड मंडी में यहाँ पे 3200 से लेकर 3700 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 3413 कुंटल देखने को रही है। मंठा मंडी की बात करें दोस्तों 3400 से 3650 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 8 कुंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों, लातूर मंडी की बात कर ले दोस्तों तो लातूर मंडी में 3651 रुपये से लेकर दोस्तों 3820 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 3156 कुंटल देखने को रही है। लातूर मरुण मंडी की बात करो तो 3500 से लेकर दोस्तों 3751 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 467 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जालना मंडी में, जो कि 3000 से लेकर 3650 कुंटल 650 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 336 कुंटल देखने को रही है। यवतमाल मंडी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3350 रुपये से लेकर 3725 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 1612 कुंटल देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, हिंगलघाट मंडी की बात करें तो हिंगलघाट मंडी में दोस्तों 3150 रुपये से लेकर 3735 रुपये भाव देखने को मिले हैं। और आवक की बात करें तो 2181 कुंटल देखने को रही है। बीड मंडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3100 से लेकर दोस्तों 3611 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 33 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देवलगांव राजा मंडी में, जो कि 3500 से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 70 कुंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों, गंगाखंड मंडी की बात करूँ तो 3700 से लेकर दोस्तों 3800 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 95 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों उमरंगा मंडी में, जो कि 3450 रुपये से लेकर 3550 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 24 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वासिम मंडी में, जो कि 3500 से लेकर 4175 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 1800 कुंटल देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी मंडी जो कि यहाँ पे तेजी देखने को ज़्यादा मिली है। बकरधन मंडी की बात करो तो 3500 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 35 कुंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोकर मंडी में, जो कि 3119 रुपये से लेकर दोस्तों 3335 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 1 कुंटल देखने को रही है। हिंगोली खानेगांव नाका मंडी की बात करूँ दोस्तों 3650 रुपये से लेकर 3750 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 160 कुंटल देखने को रही है। जिंतूर मंडी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 2500 से लेकर दोस्तों
3730 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 125 क्विंटल देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानवत मंडी में जो कि 3400 से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों आवक यहाँ पे 150 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे और शाहजानी मंडी में जो कि 3650 रुपये से लेकर 3722 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक 112 क्विंटल देखने को मिली है। कलम मंडी की बात करूँ दोस्तों 3100 से लेकर 3751 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 475 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों निलंगा मंडी में जो कि दोस्तों 3400 से लेकर 3711 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पे 160 क्विंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे मंगलपुर मंडी में जो कि 3200 से लेकर 3750 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 75 क्विंटल देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र मंडियों में सोयाबीन के भाव। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों चैनल पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग को वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी दोस्तों विजिट जाकर जरूर करें क्योंकि दोस्तों वहाँ से भी बहुत सी जानकारी आप लोग को अपडेट करा दी जाती है। और दोस्तों बहुत सी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए दोस्तों आप लोग को वेबसाइट में आप लोग को बता दी जाती है। चल दोस्तों ऐसे में वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।